इस नाताल के दिन आप सभी को अधिक शुभकामनाएं देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरुआत करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आप सारे मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर जन्म दिया, उसी प्रकार परमेश्वर इस वचन सारे जगह फैलने के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज हम यीशु मसीह के जन्म के आधार पर जो भी वचने हैं उसे हम ध्यान करेंगे। यशाया 7:14-16, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और जब तक वह बुरे को त्यागना और बले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और बले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। मत्ती 1:18-25, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। मत्ती 2:1-15, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यों लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना तैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ
तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। लूका पहला अध्याय 26-55। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बिनी लिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार की। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी पीढ़ी से तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को चूचे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। लूका दूसरा अध्याय 1-40। उन दिनों में ऑगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब विचरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए।
और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने घड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्ग दूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौटा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यरूशलेम में शमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार चित जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नाजरत को फिर चले गए, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आमीन।
प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आपने आशीषदायक बना के दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जैसे शमौन ने आपको देखा था, उसी प्रकार इस पृथ्वी के सारे लोग आपको देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप ही उद्धार करता है करके वह जानने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और आपके नाम के अनुसार इम्मानुएल, आप हमें हमेशा हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू।